दुनिया में अलग अलग तरह के अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं, लेकिन जिसके दिमाग में सिर्फ क्राइम घूमता हो, जिसे लोगों को मारने में, उन्हें नुकसान पहुंचाने में, लड़कियों को दर्द देने में मजा आता हो, ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा ही सीरियल किलर था टेड बंडी। ये एक ऐसा बंदा था जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, एकदम बेहतरीन कपड़े पहनने वाला और लुक वाइज बड़ा इनोसेंट और हैंडसम था, लेकिन अंदर से इतना घिनौना, इतना शातिर, जिसे सिर्फ लस्ट की भूख थी। अब भाई जब ये नशा दिमाग पर चढ़ जाए तो वो इंसान को क्या से क्या बना सकता है, आज हम यही जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 24 नवंबर 1946 से, जब टेड बंडी का जन्म हुआ था। इसका जन्म अमेरिका की बर्लिंगन सिटी में हुआ था। एक्चुअली में टेड को लगता था कि उसकी माँ नहीं है बल्कि उसकी बहन है, क्योंकि उसकी माँ ने भी शुरू में कभी ये नहीं बताया कि वो मैरिड है। क्योंकि जब टेड पैदा हुआ था तब टेड की माँ किसी ऐसे शख्स से प्रेग्नेंट हो गई थी जो उन्हें छोड़कर चला गया था। अब जब प्रेगनेंसी हुई तो टेड को जन्म देने के बाद उन्होंने टेड को अपने बच्चे और छोटे भाई की तरह ही पाला, पर क्योंकि टेड के डैड का कुछ अता पता नहीं था तो उन्होंने कभी इस बारे में नहीं बताया। इसीलिए टेड शुरू में अपने नाना नानी के पास ही पला बड़ा था और उसके नाना नानी ने हमेशा यही बोला कि हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। पर यह बात धीरे धीरे जब टेड बड़ा हुआ तो उसको सब पता चलने लगा। अब जहाँ नानी नाना रहते थे वहाँ के लोग भी टेड को बहुत बोलते थे कि बिना बाप का बच्चा है, और उसकी माँ को भी भला बुरा सुनने को मिलता था। तो टेड की माँ टेड को लेकर 1950 में वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई। अब जब वॉशिंगटन में उसकी माँ आई तो उनकी मुलाकात जोनी बंडी नाम के एक शख्स से हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली, जिसके बाद टेड को उसका सरनेम यानी टेड बंडी नाम मिला। जोनी एक जगह पर कुक थे और इस शादी के बाद टेड की माँ को 4 बच्चे भी हुए थे। जोनी बहुत ही कूल डैड थे, वो सब बच्चों को और अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन टेड का दिमाग कुछ अलग ही चलता था, वो अपने नाना को ज़्यादा पसंद करता था, जबकि उसके नाना कुछ ज़्यादा ही गुस्सेल थे। वो अपनी वाइफ को मारते थे, अपनी बेटी को गालियाँ देते थे। उनका बिहेव ऐसा था कि वो जानवरों को भी बहुत मारते थे, मतलब कुत्तों को पत्थर मारना, बिल्लियों की पूँछ पकड़कर उन्हें उठाकर फेंक देना, और अपने से नीचे वाले लोगों से नफरत करना, मतलब उनका बिहेव कुछ ऐसा था। और इधर टेड जब ये जान गया कि ये मेरी सिस्टर नहीं है बल्कि मेरी माँ है, तो वो अपनी माँ से भी नफरत करने लगा कि मुझे मेरे असली बाप के बारे में क्यों नहीं बताया गया। और वो अपने सोतेले बाप को भी कुछ खास पसंद नहीं करता था। अब भाई जितने भी बड़े बड़े सीरियल किलर होते हैं या जो भी क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बचपन से ही ऐसी हरकतें करते आ रहे होते हैं, यानी उनकी इमेजिनेशन भी कुछ ऐसी ही होती है। एक बार टेड की आंटी जूलिया ने बताया कि मैं रात को सो रही थी और जब आंख खुली तो देखा कि टेड, जो अभी 3 साल का है, वो मेरे बेड के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और टेड ने जूलिया के चारों तरफ चाकू छुरियां बिछाए हुए थे। अब एक बच्चे के लिए ये सब करना कुछ अजीब ही है। और फिर धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी हो गई कि किसी के भी घर में घुस जाता था, चोरियां करता था, लोगों की खिड़कियों से काफी ज्यादा झांकता था। ऐसे ही टेड जब हाई स्कूल में आया तो उसे पुलिस ने अरेस्ट भी किया था क्योंकि उसने किसी के घर में चोरी की थी। बाद में उसे समझाकर उसे छोड़ दिया गया। और फिर 1965 में टेड ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उसने 1966 में अपना ट्रांसफर वॉशिंगटन में करवा लिया, ये बोलकर कि मुझे चाइनीज़ पढ़नी है। और यहीं उसकी मुलाकात अपने साथ की एक स्टूडेंट स्टेफनी ब्रुक से हुई। और फिर 1968 में टेड ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और फिर ऐसे ही जॉब वगैरह करने लगा। साथ ही उसने एक पॉलिटिशियन की ड्राइवर की और बॉडीगार्ड की भी जॉब की थी, और इलेक्शन के कैंपेन में भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे रहता था। अब टेड के टाइम ना देने की वजह से या किसी कारण से स्टेफनी ने उसे छोड़ दिया था। वो ये मानती थी कि टेड की लाइफ का कोई एम नहीं है, जिसके बाद टेड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पर 1970 को टेड ने एलिजाबेथ नाम की एक और लड़की को डेट करना शुरू कर दिया, पर इस टाइम वो इसके साथ और भी लड़कियों को डेट कर रहा था। साथ ही आपको बता दूँ कि टेड साइकोलॉजी की पढ़ाई भी कर रहा था, उसने मास्टर्स साइकोलॉजी में की है, और साइकोलॉजी करने के बाद वो अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगा था। मतलब आप समझ रहे हो कि उसका पहले से ही क्या फिक्स था। मतलब बंदे ने अलग अलग लैंग्वेज सीखी, साथ ही साइकोलॉजी पढ़ी ताकि वो लोगों को जान और समझ सके और उनसे जल्दी घुल मिल सके। साथ ही उसने लॉ की पढ़ाई की कि अगर बंदा पकड़ा जाए तो अपना केस खुद लड़ सके और यहाँ से निकल जाए। अब अगर हम इसकी डरावनी सच्चाई की बात करें तो एक लड़की थी जो उसके साथ की ही स्टूडेंट थी। टेड ने उस लड़की को प्रपोज किया पर उस लड़की ने टेड को मना कर दिया। और अब इसकी ईगो इतनी ज़्यादा थी कि लड़कियों से ये कुछ अलग तरह की नफरत करता था। टेड 4 जनवरी 1974 को उस लड़की के अपार्टमेंट में गया और उसके सिर पर एक रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अब टेड को लगा कि वो मर गई तो वो उसके सारे कपड़े उतार कर अपनी रॉड को उसकी बॉडी में डालकर अपनी हरकत को अंजाम देता है। और जब टेड ये सब कर रहा था तभी उस घर में उस लड़की का कोई दोस्त भी था जिसे नींद में बोलने की आदत थी, और जब वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था तो टेड को लगा कि कोई आ रहा है, तो टेड वहां से भाग गया। इसके बाद वो लड़की 10 दिन तक कोमा में रहती है और अपनी लाइफ की सारी खुशियां खो देती है।
अब ये बच तो गई थी, मगर टेड को अब ये सब करने की लत लग गई थी। इसके करीब एक महीने बाद उसने फिर से उसी कॉलेज की दूसरी स्टूडेंट को मारने का प्लान बनाया। 21 साल की लिंडा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो अपने रूम में सो रही थी और इधर ये उसके घर में गया, उसे मारा और जब वो बेहोश हो गई तो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में लाया और उसे जंगल में ले गया और वहां उसका रेप किया, साथ ही उसे मारकर वहीं छोड़ दिया। और वो इन सब पर रुकता नहीं था। मारने के बाद वो अगले दिन फिर से जाता और फिर उस डेड बॉडी के साथ रेप करता। ये सब वो तब तक करता था जब तक उसे ये ना लगे कि ये बॉडी सड़ चुकी है, और जब वो बॉडी सड़ जाती थी तो उसे वहीं कुत्तों और बाकी जानवरों के लिए फेंक देता था, जिससे किसी को भी उसके बारे में कुछ भी ना पता चले। ऐसे ही 12 मार्च को फिर से एक लड़की गायब हुई जो 19 साल की थी। इसके अगले महीने एक और लड़की हुसैन 17 अप्रैल को किडनैप की गई। ऐसे ही ये लिस्ट बहुत लंबी बनती गई। बहुत सारी लड़कियों को वो लाता, मारता और रेप करता ही जाता था। अब ये जितनी भी लड़कियां गायब हुई, सबकी सब कम उम्र की थी और सबकी सब आसपास की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। टेड लड़कियों से हेल्प लेने के बहाने भी कई बार उन्हें बुलाता था, जैसे हाथ पर प्लास्टर बांध लेता और गाड़ी से घर छोड़ने को बोलता, यानी उनकी सिंपति लेकर आसानी से उनका रेप और मर्डर करता। पुलिस ने बहुत सारी छानबीन की पर कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पर एक साल बाद सारी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स वॉशिंगटन के पास टेलर माउंटेन पर मिले। अब जब पुलिस ने इन सभी लड़कियों के बारे में लोगों से बात की तो किसी ने हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ आदमी उनके साथ देखा था, तो किसी ने बेसाखी लिया हुआ कोई आदमी, और कुछ लोगों ने उसकी कार का भी जिक्र किया कि उन्होंने एक कार भी देखी थी। और इन्हीं डिटेल से एक रफ स्केच तैयार किया गया कि कौन शख्स है और कैसा है। अब टेड क्योंकि वहीं किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका था तो पुलिस ने उसे सस्पेक्ट मानने पर गौर नहीं किया, क्योंकि उसको सीधा सीधा किसी ने नहीं देखा था। अब जब टेड को लगा कि यहाँ पर पूछताछ कुछ ज़्यादा चल रही है, तो वो यहाँ से दूसरे स्टेट ऊटा में शिफ्ट हो गया, जहाँ पर उसने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। अब इसके वहाँ जाते ही ऊटा की लड़कियाँ भी गायब होनी शुरू हो गई। 2 अक्टूबर को 16 साल की नैन्सी, इसके 2 हफ्ते बाद 18 अक्टूबर को मेलिसा। मेलिसा की बॉडी 9 दिन के बाद मिली थी, जिसमें पता यह चला था कि वो किडनैप के 7 दिन बाद तक जिंदा थी। इसके बाद 17 साल की एक लड़की और गायब हुई, जिसकी बॉडी कुछ दिन बाद मिली, जिसमें उसे बहुत मारा गया था और उसका बहुत बुरी तरह से रेप किया गया था। इन सब के चलते हुए टेड की एक पुरानी जीएफ ने टेड के खिलाफ कंप्लेंट भी की थी कि इन सभी केस का कनेक्शन टेड से हो सकता है, पर पुलिस ने इसे कभी सीरियस नहीं लिया। अब भाई 8 नवंबर को ऊटा के एक मॉल में टेड ने एक लड़की कैरोल से ये कहकर बात शुरू की कि वो एक डिटेक्टिव है और कैरोल की कार में किसी ने चोरी करने की कोशिश की है, जिसकी पूछताछ के लिए कैरोल को टेड के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। बाद में कैरोल जब जाने लगी तो देखा कि टेड उसे कहीं और ही लेकर जा रहा है, तो कैरोल उसकी चलती गाड़ी से कूद गई। लेकिन उसी रात को टेड ने एक और लड़की को किडनैप किया था और उस लड़की की ना तो डेड बॉडी मिली और ना ही उसका कुछ अता पता अब तक मिला। मतलब भाई इस बंदे पर अपनी सनक और हवस इतनी ज़्यादा हावी थी कि इसे बस किसी ना किसी को मारना था, उसका रेप करना था और खुद को शांत करना था। उसे ना तो ये परवाह थी कि किसी को जिंदगी भर का सदमा पहुंचेगा, ना उसने किसी लॉ की परवाह की थी, ना उसे किसी का दुख दर्द नजर आता था। 1975 तक टेड ऊटा से भी और आगे चल पड़ा, जिससे उसे और कुछ नई लड़कियां मिल सके। 12 जनवरी 1975 को 23 साल की नर्स गायब हुई, जिसकी नेक्ड बॉडी एक महीने बाद उसी के रेजोर्ट के पास मिली। और फिर 15 मार्च को 26 साल की एक और लड़की गायब हुई, जिसका मर्डर टेड ने अपने आप ही बता दिया था। और फिर 6 अप्रैल को एक और लड़की गायब हुई, जिसे ऐसे ही मारा गया। इसके बाद 6 मई को उसने एक होटल में एक लड़की का रेप करके उसे वहीं पर मार दिया और बाद में उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया। इतने सारे नाम बढ़ते जा रहे थे, पर पुलिस किसी भी तरह से कोई सबूत जुटाने में बिल्कुल पीछे थी। अब भाई ये बंदा सबसे पहले 16 अगस्त 1975 को बिल्कुल सुबह सुबह अपनी गाड़ी से घूम रहा था। आगे जब इसने देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, तो उन्हें देखकर ये गाड़ी को घुमाता है और तेजी से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस को कुछ शक हुआ और उन्होंने इसका पीछा किया। बाद में इसे पकड़ने के बाद गाड़ी की तलाशी ली गई और उसकी गाड़ी से आगे वाली सीट गायब थी और गाड़ी में हथकड़ी, रस्सी, मास्क, रॉड, ग्लव्स, ये सब चीज़ें मौजूद थी। पुलिस को लगा कि ये सब चोरी के लिए यूज़ किया जाता होगा, पर जब उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो वहां से कोई भी सबूत नहीं मिला, और जब सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। पर वो जो लड़की जो उसकी कार से कूदकर भाग गई थी, उसने पुलिस को किसी आदमी के बारे में बताया और साथ ही उसकी गाड़ी के बारे में भी बताया था। फिर एक बार टेड अपनी गाड़ी को किसी को बेचने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी गाड़ी की अब ठीक से जाँच की गई, जिसमें कुछ लड़कियों के बाल मिले जो पिछले दिनों में किडनैप हुई लड़कियों से मैच हो गए थे। इसके बाद टेड पर किडनैपिंग, मर्डर और रेप का चार्ज लगाया गया, लेकिन उसे इसके बाद भी बेल दे दी गई। इसके लिए उसके घर वालों ने एक भारी रकम चुकाई थी।
लेकिन 23 फेब 1976 को टैड का ट्रायल शुरू हुआ, जो 4 दिन तक चला, जिसमें टैड को 15 साल तक की सजा सुनाई गई। लेकिन अभी और भी मर्डर उसके ऊपर प्रूव होते जा रहे थे, जिसके लिए उसे किसी और जेल में ट्रांसफर कर दिया। पर टैड जब उस जेल में जाने लगा तो उसने उस जेल की लाइब्रेरी जाने की बात कही, जिसके बाद उसे लाइब्रेरी में भेजा गया और यहाँ से वो एक खिड़की में से निकलकर भाग गया, जिसके बाद 6 दिन के बाद उसे पकड़ा गया। इसके बाद उसे और निगरानी में रखा गया और एक ऐसी जेल में रखा गया जहाँ से वो भाग ना पाए। मगर टैड ने अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और किसी तरह जेल में एक छोटी आरी का इंतज़ाम किया। बाद में अपने सेल की सीलिंग को काटकर उस पतली सी जगह में से चीफ जेलर के अपार्टमेंट में जा निकला और वहां से उसके कपड़े चुराए, उन्हें पहना और वहां से बाहर निकल गया। और यहां से वो शिकागो में भागा और वहां से फ्लोरिडा निकल गया। अब यहां वो रूम रेंट पर लेकर चुपचाप रहने लगा और खाने का सामान चोरी करके दिन बिताने लगा। अब जब वो बाहर था तो फिर से उसके दिमाग में अपनी हवस का डांस शुरू हुआ। अब वो 15 जनवरी को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया और बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम में वो एक लड़की के रूम में गया, उसे पीटा और उसे गला दबाकर मार दिया। और फिर दूसरे रूम में जाकर एक और लड़की पर हमला किया, उसे काटा और एक हेयर स्प्रे बॉटल से उसे सेक्सुअली असोल्ट किया। और वहीं उसने 2 और लड़कियों पर भी हमला किया था और सभी लड़कियों को मार मार कर बेहोश कर दिया। अब ये सब अटैक सिर्फ 15 मिनट में हुए थे, जिनमें से 2 लड़कियां मर गई थी। टैड का आखिरी शिकार एक 12 साल की लड़की थी, जो स्कूल जाते वक्त लापता हुई थी और जिसकी बॉडी 35 माइल्स की दूरी पर 1.5 महीने बाद मिली। लेकिन फिर 15 फेब 1975 को टैड एक चोरी की कार में पकड़ा जाता है। टैड को फिर से जेल लाया गया और जून 1979 को उसके होटल वाले मर्डर का ट्रायल हुआ, जिसमें टैड को 75 साल की सजा सुनाने के लिए बोला जाने लगा। पर टैड अपना केस खुद लड़ना चाहता था। ये एक ऐसा पहला केस था जिसे टीवी पर भी दिखाया गया और करीब 250 रिपोर्टर्स जो अलग अलग कंट्री से आए थे वो वहां पर मौजूद थे। इसके 7 घंटे के ट्रायल के बाद टैड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाई जाने यानी सजाए मौत की सजा दी गई। अब इस दौरान बताते हैं कि इन्हीं 7 घंटों में उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को, जो वहां पर मौजूद थी, उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने हाँ कर दी थी। और फिर अगले 9 साल तक टैड ने अलग अलग मर्डर्स की जिम्मेदारी ली। उसने सब कुछ बताया कि उसने कैसे कैसे लड़कियों को मारा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो बहुत सारी लड़कियों के सिर को और बाकी बॉडी पार्ट्स को अपने पास रखता था, एक इनाम की तरह, जैसे उसने कुछ अचीव किया हो। और फिर 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:16 पर टैड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर उसे सजाए मौत दी गई। टैड बंडी पर 100 से ज्यादा लड़कियों के मर्डर्स के चार्जेस हैं, लेकिन उसने सिर्फ 30 ही कबूल किए थे। ऐसे पता नहीं उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक कितनी लड़कियों को मारा होगा जिनका केस रजिस्टर तक नहीं है। मुझे लगता है ऐसे लोगों का होना और इतने टाइम तक पकड़े ना जाना कानून की एक बहुत बड़ी लापरवाही को शो करता है। ऐसे लोग जो बचपन से ही ऐसी हरकतें करते हैं, जिन्हें लोगों का दुख दर्द फील नहीं होता, इन्हें पहचानना और इनसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है टैड बंडी को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेकर आता रहूं और मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।